हम कर रहे थे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में। जो मैटर है उसको स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर के द्वारा या प्रेशर के द्वारा। टेम्परेचर को बढ़ा के या घटा के हम क्या कर सकते हैं अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? जैसे सॉलिड है, कोई बर्फ है, बर्फ में अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो उसमें गलत क्या बन जाएगी? तरल, यानी कि क्या बन जाएगी वो? तरल यानी कि लिक्विड। और उसके बाद अगर उसको ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो एक ऐसा तापमान आएगा जिसके बाद वो उबलने के बाद क्या किसमें परिवर्तन हो जाएगा? भाप में, यानी कि गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी जो पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम करके या ज्यादा करके। टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा? जो भाप है वो क्या बन जाएगी? लिक्विड यानी कि पानी बन जाएगा। और उसको और टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बर्फ में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार जो दबाव है, दाब है या प्रेशर है, प्रेशर को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं? किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे? जैसे गैस है, गैस को क्या बना सकते हैं प्रेशर के द्वारा? लिक्विड। और लिक्विड के ऊपर अगर ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो सॉलिड। एक एग्जांपल लेते हैं, एक लाइटर होता है जिसके जो काम आता है उसके ऊपर गैस, उसमें एक लिक्विड पदार्थ होता है। जैसे उसको दबाया जाता है, प्रेशर पड़ता है तो बाहर एक निकल जाती है गैस, जबकि उसके अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है। और प्रेशर के द्वारा क्या होगा? बाहर गैस आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी जाती है या फिर एलपीजी वगैरह भरी जाती है, इसमें क्या होता है? जो गैस होती है, गैस को भरने के बाद ऑक्सीजन परिवर्तित हो जाती है। जब उसको सिलेंडर वगैरह में भरते हैं तो क्या ऑक्सीजन बदल जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार दबाव के द्वारा भी हम किसी पदार्थ की अवस्था में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन ला सकते हैं। इसके बाद जो टेम्परेचर